हेलो एवरीवन, वेलकम टू फरीज वीलॉग आवर ब्यूटीफुल जिंदगी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू ऑफ मल्टीफंक्शनल लैपटॉप टेबल का। ये बेसिकली इसके जो हैं मल्टीफंक्शनल है, एल्युमिनियम अलॉय फोल्डिंग कंप्यूटर डेस्क है, जो कि ज़्यादातर सोफ़ा पे यूज़ किया जाता है और बेड पे यूज़ किया जाता है। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो ये जी इसका बॉक्स था, और जो है मल्टी फंक्शनल है, ये कुछ इस तरीके से भी यूज़ हो सकता है। और इसके लिए फर्दर जो पोजीशन इन्होंने दी हुई हैं हमें फॉर गाइडेंस, वो ये दी हुई हैं, ये वाली सोफे के लिए, बेड के लिए, कारपेट पे, मिडो एंड डेस्क पे, इस तरीके से। तो ये अनबॉक्सिंग करें। इसके साथ हमारे पास जो आया है वो है इंस्ट्रक्शन मैनुअल आया। इंस्ट्रक्शन मैनुअल में जो है माउस की इंस्टॉलेशन कैसे करनी है, हमने बेड पे किस किस तरीके से यूज़ हो सकता है, ये सारे फंक्शन दिए हुए हैं इसमें। और ये मल्टीपल इसकी पोजीशंस हैं, हाइट हैं, कॉन्फ़िगरेशंस हैं, इस तरीके से हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और आउटडोर में यूज के लिए इंस्ट्रक्शन जो हैं वो ये दिए हैं। इसमें जी दो फैन इंस्टॉल्ड हैं ऑलरेडी, और जो USB कनेक्टर है उसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं आपके लैपटॉप के साथ। ये जो है इसकी पार्ट्स की लिस्ट है। इसमें एक माउस ट्रे है, 1 वॉशर है, 1 स्टार नॉब है, 1 एज स्टॉपर है, एंड 1 इज USB केबल। अनफोल्डिंग द लैपटॉप स्टैंड, ये देखें डिफरेंट पोजीशंस दी हुई हैं, इसके जरिए जो है हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लॉकिंग स्टेट्स हैं इसमें, ये बटन दिया हुआ है लॉकिंग के लिए, नॉब्स हैं। इस बटन को प्रेस करेंगे तो हम इसकी मूवमेंट कर सकते हैं, जैसे ही छोड़ेंगे तो वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा अपनी पोजीशन। इसमें मल्टीपल पोजीशन है, लेट्स सी आप इसमें क्या हमारे पास अवेलेबल इस टेबल में। ये जी हमारे पास माउस पैड है, ये यहाँ से कनेक्ट होता है, और ये इसकी बैक साइड है। इस पर आई डोंट थिंक हमें किसी पैड की ज़रूरत पड़ेगी, इस पर स्मूथली जो है आपका माउस वर्किंग करेगा। छोटी सी स्पेस है। इसके साथ हमारे पास आया है ये छोटा सा पाउच, और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जी हमारे पास है USB केबल, जो कि इन फैंस को कनेक्ट करती है लैपटॉप के साथ। और इसके साथ आया है हमारे पास एक नॉब, जिसके साथ आई थिंक माउस पैड को हम कनेक्ट करेंगे टेबल के साथ। और इसके साथ हमारे पास एक ये नॉब आया है। दो इस किस्म के नॉब हैं, इसकी हम एप्लीकेशन देखते हैं क्या हो सकते हैं। और एक ये बड़ी वॉशल है हमारे पास, और ये टोटल सामान हमारे पास है, एक वॉशल, दो नॉब्स, और एक ये पेच माउस स्टैंड का, और एक केबल। सो दिस इज द टेबल। ये हमारे पास टेबल है जिसमें जो है दो फैन दिए गए हैं, 3 लेग्स यहाँ पर हैं, एल्युमिनियम के लेग हैं, और टेबल भी जो है एलुमिनियम का है, और ये भी 3 लेग्स हैं यहाँ पे, और ये जो हैं रोटेशन के लिए एजेस हैं, कॉर्नर्स हैं हमारे पास। रियर साइड से अगर हम देखें तो ये फैन है, और इसकी जो है ये पावर बटन है ऑन एंड ऑफ का। और इस तरफ से जो है हमारे पास पिन लगाने की जगह दी हुई है। लेट्स सी जी अब किस तरीके से इसको हम यूज़ कर सकते हैं।
सुनिए, फिर तो सुनिए, बटन को प्रेस करना है दोनों तरफ से और फिर इसको ऑफ करना है। ये देखेंगे एक पोजीशन तो ये है, आप इसको टेबल पे भी यूज कर सकते हो इस तरीके से रख के जी शेप में। ये इसके बटन है। अच्छा, बटन ऑटो लॉक हो जाते हैं तो इसको हम जैसे ही प्रेस करेंगे, इसको हम अगर दोनों साइडों से प्रेस करते हैं तो इसको हम उस एंगल को हम ला सकते हैं। देखिए एक ये पोजीशन है, इसमें हम लेट सकते हैं इसके नीचे और इसको अपनी लैप में रख के आराम से बेड पे यूज कर सकते हैं। ये देखिए ये वाली पोजीशन, तो इतनी स्पेस है हमारे पास कि हम लेट के जो है इसको बेड पे यूज कर सकते हैं। अब जी हम इसका माउस पैड इसे कनेक्ट करते हैं। माउस पैड के लिए हमें चाहिए एक माउस पैड, इसके साथ जो एक बोल्ट दिया गया है ये, और एक जो वॉशर दिखी है। सबसे पहले वॉशर को हम इस बोल्ट में डाल देंगे और उसके बाद जो है माउस पैड लगाने की जो जगह दी है इन्होंने वो राइट साइड पे दी है इसके फर्स्ट जो है इस आर्म में, तो ये जो होल है यहाँ पर हम माउस पैड लगाएंगे। तो माउस पैड को हम क्योंकि रोटेट कर सकते हैं इस पोजीशन में तो किसी भी पोजीशन में रोटेट करना चाहें तो वो हम रख सकते हैं, वो हमारी मर्जी है। सबसे पहले तो जी इसको हम जो है यहाँ से नट को डालेंगे, इसकी बैक साइड से नट को डालेंगे और इसको जो हम यहाँ पे बोल्ट को रख के और इस तरीके से टाइट कर देंगे। ये हमने माउस पैड को इसमें टाइट कर दिया, देखें। ये अब हमारा टेबल तैयार है। इसको जो रोटेट करने का तरीका है उसके लिए हमें थोड़ा सा ट्रिकी है, उसके लिए तो हमें हेल्प चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम इन दोनों बटन को दबाते हैं तो ये टेबल जो है इसको हम मूव कर सकते हैं, प्रेस करेंगे तो नीचे हो जाएगी, अगेन इसको दबा के रखेंगे और ऐसे करके छोड़ेंगे ऊपर हो जाएगी और ये लॉक हो गई। अब यहाँ पर भी लॉक हो गया। अब यहाँ पर इस पोजिशन में अगर आपने लैपटॉप को रखना है तो लैपटॉप के गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने हमें ये वाली नॉब दी है, ये वाली छोटी नॉब। अच्छा, ये नॉब क्या है कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो एज दिया गया है, ये यहाँ पे एक एज है जो लैपटॉप को होल्ड करता है। अगर इस एज से भी हमारा हमें ज़्यादा फर्दर सपोर्ट चाहिए तो हम इस नॉब को इस तरीके से इसमें डाल देंगे। सॉरी, इस तरीके से डाल देंगे और ये इतनी ज़्यादा बड़ी भी सपोर्ट आ जाएगी हमारे पास। इसी तरीके से हम दूसरा नॉब भी इसमें डाल देंगे। अब ये नॉब जो हैं दो हमारे पास आ गए हैं, इसको हम जहाँ पे भी रखना चाहें वहाँ रखेंगे और यहाँ पे इस तरीके से लैपटॉप को हम लेट के भी आराम से इस्तेमाल करते हैं। देखें इस एंगल पे, इस एंगल पे। अभी मैं आपको इस पर लैपटॉप रख के भी चेक करवा देता हूँ। अच्छा जी, ये हमारे पास जो लैपटॉप है दिस इज 15.7 इंचेस स्क्रीन और इसका जो साइज़ आ रहा है वो टेबल पे ये आ रहा है, तकरीबन परफेक्ट आ रहा है। अगर आप देखेंगे तकरीबन पूरा है और इसने जो है सपोर्ट भी उठा लिया, आराम से उठा लिया, कोई वो प्रेशर नहीं आया टेबल के ऊपर। टेबल की जो स्ट्रेंथ है वो भी अच्छी है, इतनी कोई बुरी नहीं है कि ये गिर जाएगा बिल्कुल ही। तकरीबन 7 to 9 kg इस लैपटॉप का वज़न होगा और रखने से कोई डिफरेंस नहीं पड़ा, इसके कोई फ़र्क नहीं। तो स्ट्रेंथ है, सॉलिड है, अगर हम हाथ भी रखना चाहें माउस पैड पे तब भी कोई फ़र्क नहीं। हाँ, माउस पैड अलबत्ता थोड़ा सा सेंसिटिव है, इस पर हम ज़्यादा वज़न नहीं दे सकते क्योंकि ये प्रेस हो रहा है। तो ये पोजिशन है, ये लैपटॉप खुल गया, पावर ऑन करके इसका मैं फ़ैन भी ऑन करके ट्राई करता हूँ।
अगेन जब अगर आपने टेबल को ऊपर करना है तो आपको इसके लैपटॉप को उठाना पड़ेगा, क्योंकि बटन प्रेस करते ही टेबल को जो है आपको हाथ से ऊपर करना पड़ेगा। और मेक श्योर कि ये लॉक होने चाहिए, एक नॉक की आवाज़ आएगी तो वो आनी चाहिए। अब इस तरीके से अगर हम देखें तो लैपटॉप ऐसे भी आ गया। इस पोजीशन में भी आराम से जो है लेट के लैपटॉप यूज हो सकता है। तो ये इसके साथ केबल आती है जो हम कनेक्ट करके फैन ऑन करने की कोशिश करते हैं, जैसे यूएसबी केबल। ये केबल हमने कनेक्ट की थी यूएसबी में, और इसके बाद जो है इसकी रियर साइड से जो है हमारे पास कनेक्टर है और इसमें कनेक्ट हो गया। और ये फैन इसके ऑन हो चुके हैं, अभी ऑफ हो गए, और अभी मैं बटन दबाऊंगा, बटन प्रेस करूंगा तो ये ऑन हो जाएगा। तो अभी जो है इसके फैन हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर इस वीलॉग और ब्यूटीफुल जिंदगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, होप यू लाइक दिस वीडियो।